everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 7, can you see the pattern. ठीक है, पूरा pattern based chapter है. Patterns देखेंगे हम different तरीके के. So let's start with question number 1. Extend the following patterns. यहाँ पे हमें कुछ shapes दी गई है. ठीक है, तो pattern को follow करके हमें इन patterns को complete करना है. So देखते हैं first. तो ये स्माइल फेस पहले डाउनवर्ड्स है, देन इट इज़ टुवर्ड्स लेफ्ट, देन अपवर्ड्स तो अब आएगा राइट साइड, देन अगेन डाउनवर्ड्स. देन नंबर 2, पहले ये एरो अपवर्ड्स है, देन राइट साइड डाउनवर्ड्स, अब आएगा लेफ्ट साइड एंड देन आएगा अपवर्ड्स. नेक्स्ट है, पहले ये जो एरो है, ठीक है, ये वाली जो साइड है वो डाउनवर्ड्स है, then right side, then upwards, then left side and then downwards. ठीक है, इस तरीके से हमें pattern follow करना है. then next we have number 4, पहले ये arrow sleeping में है, then standing, sleeping, standing and again sleeping. next हमें दिया है एक stop जैसा sign दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, तो पहले ये पोजीशन यहाँ पे है, देन यहाँ पे आई है, सी यहाँ पे, देन ये जो सर्कल है वो यहाँ पे डन हुआ है. ठीक है, सी यहाँ पे इस तरीके से है, तो अब ये वाला जो साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा. नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट सिंबल एंड देन ये यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा, तो अगेन ये इस तरीके का सिंबल आएगा. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कुछ एरो, मूविंग एरोस. ठीक है, पहले ये इस तरीके से है, देन ये इस तरीके से है, देन दिस पे, अब ये जाएगा अपवर्ड्स एंड देन अगेन राइट साइड. नेक्स्ट हमें एक बो दिया हुआ है, ठीक है, बो की तरह दिया हुआ है. सो पहले ये स्लीपिंग पोजीशन में है, देन स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड देन अगेन स्लीपिंग. नेक्स्ट हमें दोबारा एक एरो दिया हुआ है जो पहले राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, देन डाउनवर्ड्स, देन लेफ्ट साइड, तो अब आएगा अपवर्ड्स. ठीक है, अपवर्ड्स के बाद अगेन आएगा राइट साइड. ओके, तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म. सॉरी, वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन नंबर 1. सो नंबर 9, यहाँ पे पहले हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट ये इस तरह यहाँ पे है, जो ये लाइन है वो इस तरीके से है, अब ये यहाँ पे मूव कर गई है. ठीक है, तो ये इधर आ गई, देन ये यहाँ पे मूव कर गई है, तो इस तरीके से आ गई, अब ये यहाँ मूव करेगी. ओके, तो ये इस तरीके से आ गई, और जो शेडेड पार्ट है वो पहले यहाँ था, ओके, देन यहाँ आया, देन यहाँ अब वो नीचे चला गया. इसके बाद ये वाला यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ जाएगा, देन अगेन यही फिगर आएगा, बट ये जो शेडेड पार्ट है वो डाउनवर्ड्स होगा. ठीक है, नीचे की तरफ होगा, तो ये वाली साइड जो है ये शेडेड वाली साइड है. ठीक है, इसको आप थोड़ा पेंसिल से डार्क शेड कर देंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. नेक्स्ट है नंबर 10, पहले जो नंबर 1 है, ठीक है, वो स्टैंडिंग पोजिशन में है, देन उसको राइट साइड टर्न कर दिया है, देन डाउनवर्ड्स, तो अब आएगा लेफ्ट साइड. ओके, देन अगेन इट विल बी इन स्टैंडिंग पोजिशन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न. इसमें भी हमें जो पैटर्न दिया हुआ है उन्हें फॉलो करना है और क्वेश्चन जो दिए हैं उसे कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वन है, सी एक स्क्वायर दिया हुआ है बट टिल्टेड है, उसके अंदर हमें फ्लावर दिया हुआ है. पहले वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, देन वो राइट साइड टर्न हो गया, देन डाउनवर्ड्स टर्न हो गया, अब वो लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा. ठीक है, एंड देन अगेन स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा. नेक्स्ट है नंबर 2, सबसे पहले हम ये स्टार ले लेते हैं. ठीक है, सॉरी डायमंड ले लेते हैं. तो डायमंड पहले फर्स्ट पार्ट में है, देन सेकेंड पार्ट में है, देन थर्ड पार्ट में है, तो फोर्थ सर्कल में आएगा जो डायमंड होगा वो फोर्थ पार्ट में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आ गया, एंड फिफ्थ सर्कल में अगेन वो फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा. इसी तरीके से हार्ट सेकेंड पार्ट में है, तो वो फिर नेक्स्ट सर्कल में थर्ड पार्ट में है, नेक्स्ट सर्कल में फोर्थ पार्ट में,
एंड नेक्स्ट सर्कल में आ जाएगा वो फर्स्ट पार्ट में, एंड उसके नेक्स्ट सर्कल में आ जाएगा सेकेंड पार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो शेप है वो थर्ड पार्ट में है, तो नेक्स्ट सर्कल में फोर्थ पार्ट में है, सॉरी फर्स्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, ओके। सो नेक्स्ट सर्कल में वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट सर्कल में सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट सर्कल में थर्ड पार्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट सर्कल में फोर्थ पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये ट्री ले लेते हैं हम, ये थर्ड पार्ट में है तो नेक्स्ट सर्कल में फोर्थ पार्ट में आ गया, नेक्स्ट सर्कल में फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सर्कल सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट सर्कल थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से मैं पैटर्न कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट है एम, पहले वो स्टैंडिंग पोजिशन में, ठीक है, स्टिल है, स्टैंडिंग में है, देन वो राइट साइड टर्न हो गया, देन डाउनवर्ड्स अब जाएगा लेफ्ट साइड एंड अगेन स्टैंडिंग पोजिशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव नंबर फोर, पहले एरो अपवर्ड पोजिशन में है, ठीक है, एक सर्कल दिया है उसके अंदर एरो दिया हुआ है, सो पहले वो अपवर्ड पोजिशन में है, देन राइट साइड, देन डाउनवर्ड्स, अब आएगा लेफ्ट साइड, देन अगेन अपवर्ड्स। नेक्स्ट नंबर फाइव, कुछ अजीब सा शेप दिया हुआ है इनसाइड अ स्क्वायर, ठीक है, तो पहले ये इधर है, ठीक है, देन ये अपवर्ड चला गया, ठीक है, पहले इस साइड है, ठीक है, फिर ये अपवर्ड चला गया है, ठीक है, देन ये राइट साइड आ गया है, तो अब आ जाएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये वाला शेप जो है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा एंड देन अगेन चला जाएगा लेफ्ट साइड, ओके, तो ये फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव नंबर सिक्स, तो नंबर सिक्स में पहले जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है वो स्ट्रेट है, देन सबसे पहले उसमें एक प्लस का साइन है, देन सर्कल, देन ट्राइंगल, ठीक है, फिर ये जो ट्राइंगल है वो लेफ्ट साइड टर्न हो गया है, ठीक है, सी लेफ्ट साइड टर्न हो गया, देन डाउनवर्ड्स, अब जाएगा वो राइट साइड, देन अगेन अपवर्ड्स, ठीक है। इसी तरीके से हमें पैटर्न फॉलो करनी है, ठीक है, कोई पहले राइट साइड जा रहा है, कोई पहले लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये चीज़ हमें नोटिस करके फिर हमें पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट हमें नंबर सेवन दिया हुआ है जे, पहले स्टैंडिंग है, स्टेल है, ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से इस साइड टर्न हो गया, राइट साइड टर्न हो गया, देन अपवर्ड्स, तो अब ये जाएगा लेफ्ट साइड, तो इस तरीके से जो हो जाएगा, देन अगेन वो स्टैंडिंग पोजीशन में अगेन स्टिल नंबर वन की तरह आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर एट, हमें क्रॉस दिया हुआ है, ये क्रॉस पहले लेफ्ट साइड टर्न हो गया, देन डाउनवर्ड्स, तो अब जाएगा राइट साइड, देन अगेन अपवर्ड्स। नेक्स्ट नंबर नाइन, हमें की दी हुई है, ठीक है, स्लीपिंग पोजिशन में, ठीक है, पहले ये की इस साइड है, देन डाउनवर्ड्स, देन राइट साइड, अब जाएगी वो अपवर्ड्स, देन अगेन लेफ्ट साइड, ओके। नेक्स्ट वी हैव ई, ठीक है, ई को सबसे पहले तो हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसी तरीके से इसको टर्न किया गया है, तो ये वाली जो पोजिशन है, ठीक है, वो इधर आ गई है, ठीक है, इसलिए ई थोड़ा ऐसा हो गया, देन ये वाली पोजिशन यहाँ आ गई है, तो ई स्लीपिंग पोजिशन में हो गया है, देन यहाँ से उसको यहाँ पर टर्न किया गया तो ई ऐसा हो गया है, देन उसको यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तो ई कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो अगेन वो क्रॉस हो जाएगा, ओके, देन उसको यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तो वो अगेन स्लीपिंग पोजीशन में आ जाएगा लेकिन अपसाइड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एलेवेंथ, काइट, काइट को भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे एट पार्ट्स में, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले उसको टर्न करके यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, इसलिए ये शेप ऐसा है, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कर दिया गया, यानी कि ये वाला पॉइंट अब यहाँ यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से, देन ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ये जो काइट है वो इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ ऐसा आ गया, देन यहाँ से यहाँ गया है, तो काइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट इज नंबर ट्वेल्व, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसे भी हम एट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले ट्राइंगल यहाँ पे है, ठीक है, नेक्स्ट में उसको यहाँ पे टर्न किया गया है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, देन उसको यहाँ से यहाँ टर्न किया गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सी, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ टर्न किया गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है, सी, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ टर्न किया गया है तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ओके, देन यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे
तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13, इस एरो के साथ एक सर्कल दिया हुआ है, इसे भी हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे है, इसको टर्न करके यहाँ पे ले जाया गया, तो ये सर्कल यहाँ पहुँच गया। देन यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तो ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा, सी आ गया। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, तो वो सर्कल यहाँ आ जाएगा, सी आ गया। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, तो वो सर्कल यहाँ आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तो वो जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा 13 तक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच पैटर्न कम्स नेक्स्ट बाई एक्सटेंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न, टिक राइट इन द बॉक्स बिलो द प्रॉपर ऑप्शन। ठीक है, हमें एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे ये पैटर्न है, इसको इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से नेक्स्ट पैटर्न यानी इसके बाद जो आएगा वो हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है। ओके, सो फर्स्ट हमें 4 लाइंस दी गई हैं, पहले ये वाली जो लास्ट लाइन है, ठीक है, वो बेंड कर दी गई है। देन थर्ड में क्या हो रहा है, सी इस तरीके का फिगर आ रहा है, 2 स्टैंडिंग है। देन थर्ड में क्या किया गया है कि एक स्टैंडिंग लाइन बच रही है, ठीक है, 2 कर्व्स इधर है, 1 कर्व इधर है, यानी कि नेक्स्ट फिगर में क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा पैटर्न, कुछ इस तरीके से होगा। तो सो आंसर इज डी। नेक्स्ट नंबर 2, पहले हमें दिया हुआ है ट्रायंगल, फिर हमें दिया है स्क्वायर, देन हमें दिया है पेंटागन। अब देखो इसकी कितनी साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स ले लो या वर्टेक्स ले लो, इसकी 3 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 5, ठीक है, 5 वर्टेक्स हैं, 5 साइड्स हैं, अब कितना होगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉलीगॉन्स दिए गए हैं विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स, तो नेक्स्ट पॉलीगॉन आएगा हेक्सागन विद 6 साइड्स एंड 6 वर्टेक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर 3, एक सर्कल है, उसके अंदर हमें एक डायमंड शेप दिया है, पहले वो डाउनवर्ड्स है, देन वो लेफ्ट गया, देन अपवर्ड्स अब आएगा वो राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड यहाँ पे नंबर सी में है एक सर्कल एंड देन डायमंड इन द राइट साइड, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट में दिया है नंबर 4, नंबर 4 में हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले यहाँ अप साइड 4 सर्कल्स हैं और एक यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, फिर ये टर्न हो गया है लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये टर्न होके इस साइड आ गया है, ठीक है, अब वो टर्न होके कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड्स चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो 1 सर्कल है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें डाउनवर्ड पोजीशन में सर्कल है, तो ये और ये, लेकिन यहाँ पे कितने सर्कल है, 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच पैटर्न कम्स नेक्स्ट बाय एक्सटेंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न, टिक राइट इन द बॉक्स बिलो द प्रॉपर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स में हमें पैटर्न दिया हुआ है, अब इसका नेक्स्ट शेप क्या होगा, उसके लिए हमें 2-2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो साइड है वो यहाँ आ गई है नेक्स्ट फिगर में, ठीक है, इसके बाद वाले फिगर में यहाँ आ गई है, ठीक है, ये वाली साइड, यानी कि ये ट्रायंगल ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, अब ये साइड यहाँ चली जाएगी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, तो बी ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है नंबर 2, नंबर 2 में शेप तो सेम ही है, सिर्फ कलर का जो है डिफरेंशिएशन है। सो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि ये जो कोई भी एक कलर ले लेते हैं, तो ब्लू कलर सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में है, फर्स्ट पार्ट में है, देन वो आ रहा है इस यहाँ पे घूम के, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, देन वो घूम के जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। ओके, सो इस पैटर्न में यहाँ से ये कलर यहाँ आया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आया है, उसके बाद
यानी कि राइट साइड घूमा है, ठीक है। उसके बाद ये हमें यहाँ पे दिया है तो वो किस साइड जाएगा, इसी तरीके से राइट साइड घूमेगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो बी आएगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर 3। पहले हमें दिया हुआ है एक एस तरीके का शेप दिया हुआ है, पहले वो इस साइड टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा, देन वो इस साइड अगेन ये इस साइड टर्न हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, वापस यही शेप आएगा सेकंड वाला, ओके। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। पहले स्टैंडिंग में है, देन स्लीपिंग में है, देन स्टैंडिंग में है, देन अगेन स्लीपिंग। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।